एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इन बच्चों को पढ़ाना इतनी गर्मी में। उफ। चलो बच्चों, जो कल क्वेश्चन दिया था ना, सॉल्व करो उसे जल्दी से। मैडम बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ गर्मी है तो लगेगी ही ना, सबको ही लग रही है। तुम कहाँ के महारानी हो? मैडम इतनी गर्मी में पढ़ाई कैसे होगी? अच्छा घर पे तो बड़ा एसी में पढ़ती हो ना तुम, तो यहाँ बड़े नाटक करके दिखा रही हो। नहीं मैडम घर पर इतनी गर्मी नहीं होती। क्यों, तुम्हारा घर इंडिया से बाहर है क्या? फीस तो आती नहीं है मैडम के टाइम पे, गर्मी लग रही है इन्हें। मैडम सच में बहुत गर्मी लग रही है। स्वीटी एक काम करो, क्लास से बाहर निकलो और वहाँ पेड़ है ना सामने, उसके नीचे जाके मुर्गा बन जाओ, वहाँ तुम्हें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। गेट आउट। अब ठीक है, कम से कम यहाँ गर्मी तो नहीं लग रही। स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जल्दी से उसका आंसर सॉल्व करो। चलो क्या खाक क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं गर्मी लग रही है, एक एसी भी नहीं है मेरी क्लास में। अभी पापा को फोन करके बोलती हूँ कि इन गरीबों के यहाँ पे एसी लगवा दे। स्वीटी बेटा क्या हुआ, तुम कुछ बड़बड़ा रही हो, कोई प्रॉब्लम? मैम कितनी गर्मी हो रही है, आपको नहीं लग रही क्या? हाँ ये बोली अंबानी की लड़की, इसके अलग ही नाटक रहते हैं। हाँ बेटा अब गर्मी तो है पर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो करनी है ना। मैम आप एक काम करो, स्कूल में एसी लगवा दो, फिर गर्मी नहीं लगेगी। सॉरी बेटा हम एसी नहीं लगवा सकते, दरअसल ये स्कूल वालों का काम है ना। मैम आप एक काम करो, ये लो एटीएम कार्ड, आप पूरे स्कूल में एसी लगवा दो, अपने घर में भी एसी लगवा लेना और जो बराबर में स्कूल है ना उसमें भी एसी लगवा दो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। थैंक यू सो मच स्वीटी, थैंक यू। ये रेडियो भी हर दूसरे दिन बिगड़ जाता है। हाँ तुम्हारी तरह जो है। भूल मत शादी में तेरी घर से आया था ये। शादी में आ गया था जब भी, तो एक ही है इस घर में, दूसरा नहीं आ पाया। पापा पापा। अरे क्या हो गया, अब तुझे क्या चाहिए, अब तक तो तेरी माँ कहाँ 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 कर रही थी, अब तू आ गई। पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए। पॉकेट मनी, ये क्या होता है? अरे पापा सब बच्चों के पेरेंट्स उनको कुछ पैसे देते हैं महीने के, तो मुझे भी चाहिए। ये कहाँ का शौक है, पैसे भी भला कोई किसी को देता है? अरे पापा दे दो ना, भले ही 200 रुपए दे दो। क्या 200 रुपए? अरे भाई ताजमहल खरीदना है क्या? रुक एक मिनट, ये ले 10 रुपए और जा मजे कर, और हाँ बचे हुए पैसे ना वापिस कर दियो। बस 10 रुपए? पापा एक काम करो, ये अपने बैंक अकाउंट में जमा करा लेना और इसका जो ब्याज आएगा ना उससे घर चला लेना और अपने खर्चे निकाल लेना। ठीक है, इससे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। अरे कमिश्नर साहब को तो अपना शिफ्ट चोरी हो गया था, उसको कुछ पता चला? जल्दी पता कराओ। ओके हाय मॉम, हाय डैड। हाय बेटा कैसे हो आप? आई एम फाइन डैड, मुझे आपसे एक काम है। बोलो मेरे बच्चे क्या काम है? मुझे पॉकेट मनी चाहिए डैड। अरे बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी पूरी चेकबुक आपको साइन करके दे देता हूँ, जब मन करे जितने पैसे मन करे उतने निकाल लेना। ओहो ये आपका कोई बिजनेस नहीं है जो आप उसको चेकबुक दे रहे हो। बेटा ये लो क्रेडिट कार्ड, आपको जितना चाहिए आप निकाल लेना इसमें से। अरे मॉम मॉम थैंक यू, मॉम थैंक यू डैड, आप वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो। बाय बाय। मम्मी पापा मेरे स्कूल वाले पिकनिक लेके जा रहे हैं, पूरे 101 रुपए जमा कराने हैं। हाय राम 101 रुपया, बाप रे बाप, 101 रुपए सुनकर तो मेरा पूरा बजट बिगड़ गया। 101 रुपए देने के लिए तो लोन लेना पड़ेगा। अरे मम्मी पापा ये क्या बात हुई, सिर्फ 101 रुपए ही तो देने हैं, सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मेरा भी मन है। अरे बेटा हमारा भी मन है हम तुझे भेजे, लेकिन बजट नहीं है ना, आज ही घर का राशन आया है, हम कर्जे में डूब गए हैं, 101 रुपए का तो लोन भी नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं जाऊंगी, यही चाहते हो ना आप लोग? इस बार तो मैं यूनिट टेस्ट में सेकंड भी आई थी फिर भी। अरे बेटा सेकंड नहीं फर्स्ट आने की सोचो। हाँ बेटा तुम जाओ जाकर पढ़ाई करो अच्छे से। स्वीटी की मम्मी ये पंखा क्यों चला रखा, इसे बंद करो बिजली का बिल आता है। जाओ ना। हाय मॉम हाय डैड कैसे हो आप? हम तो बेटा एकदम मस्त है, बस थोड़ी देर बाद तुम्हारे डैडी की अंबानी के साथ वीडियो कॉल है।
अम्बानी अंकल को मेरा हाय बोलना मॉम। टेल मी बेटा, व्हाट यू वांट टू से? पापा मेरे स्कूल वाले सब फ्रेंड्स पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। अरे बेटा कम ऑन, जाने दो ना। तुम एक काम करो, अपने पूरे स्कूल को हमारे फूफू चीची वाले आइलैंड पर ले जाओ पिकनिक के लिए। हाँ मॉम, वैसे हमें काफी दिन हो गए हैं फूफू चीची आइलैंड पे गए हुए। आप कॉल करके एयरपोर्ट क्लीन करवा दो ना प्लीज। वेट अ मिनट। हाँ ओब्रॉय जी, वो मेरी बिटिया आ रही है पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ, तुम वहाँ की ना सफाई करवा दो और प्राइवेट जेट साफ करके जल्दी से भेज दो। ठीक है बेटा। यू आर द बेस्ट मॉम एंड डैड इन द यूनिवर्स। आई एम गोइंग इन माय जंबो जेट। बाय बाय बेटा, बाय। हाँ अंबानी जी, क्या हाल है? और सब बढ़िया? टीवी ना कम देखा करो, आंखें भी बची रहेगी और बिजली का बिल भी। हाँ, तुम तो मुझे मूवी दिखाने लेके जाते नहीं हो, अब मैं टीवी भी ना देखूं? अरे तुम अपने घर वालों को देख लिया करो ना, वो क्या कम ड्रामेबाज है। पापा मुझे साइकिल चाहिए स्कूल जाने के लिए। साइकिल? ये कहाँ की नवाबी है, स्कूल जाना है या स्टाइल मारने? ओहो पापा, मेरा स्कूल इतनी दूर है, मेरे पाँव दुख जाते हैं चलते चलते। अरे अपने जमाने में हम सात समुंदर नदियाँ पहाड़ पार करके स्कूल जाते थे, अपने बाप से कभी ऐसे बकवास नहीं करी। तो फिर मैं कैसे जाऊँ स्कूल? अरे बस से चली जा। बस से क्यों जाना है, जैसे अभी जाती है पैदल वैसे चली जा, देख कितनी फिट है तू। कितना कंजूस बाप मिला है मुझे। अरे तू इसे बंद करो। सुनो जी, कल शाहरुख की बीवी गौरी ने सोने की साड़ी पहनी थी, मुझे भी सेम साड़ी चाहिए अपने भाई की बारात में। अपनी शक्ल देखिए और उसकी देखिए। ओहो, सुन भी रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ सब। हाय मॉम, हाय डैड। हाय बेटा। मॉम डैड, कल से मुझे स्कूल जाना है, मेरा नया सेशन शुरू हो गया है। हाँ बेटा मुझे पता है, बताओ क्या चाहिए। डैड अब मैं नए सेशन में घर से स्कूल कैसे जाऊंगी? अरे बेटा तुम्हारे पास प्लेन, कार, सिप सब कुछ तो है, किसी से भी जाओ। ये सब तो पुराने हो गए डैड, नया सेशन नई कार। बस इतनी सी बात, बताओ कौन सी कार चाहिए? 2 BMW, 2 Audi और 4 Mercedes। ओके बेटा, कल सुबह सारी कार घर के बाहर खड़ी मिलेगी, जिससे मन करे उससे दाना। थैंक यू डैड, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो। बाय। अरे एक कुकर बनाने में कितना टाइम लगता है तुम्हें? अरे तो अपने घर वालों से बोल देना कि नया दे देंगे। हाँ मेरे घर वालों के दिए हुए ही सामान से ये घर सारा भरा हुआ नजर आता है, वरना तो है ही क्या तुम्हारे घर में। पापा मेरा रिजल्ट आ गया। तो इसमें क्या तूने कोई से तीर मार लिए होंगे? ला दिखा। लो जी, हर बार तो कम नंबर ही आते थे, इस बार सीधा फेल। क्या फेल? हाँ हमने तो लगा था पढ़ लिख कर ये हमारी गरीबी मिटाएगी, लेकिन इसने तो हमें ही मिटा दिया। पापा आप तो ना इतने कंजूस हो ना कि मेरे ट्यूशन में नहीं लगवा सकते, तो मैं 5 साल से होती। बस 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 बस, अब कुछ और बोलना है या बस बहुत है? इस बार मैं और मेहनत करूंगी और पास होके दिखाऊंगी। हम भी देखते हैं कैसी मेहनत करेगी। जा ये ले। सुनो जी, कल पार्टी में ऐश्वर्या ने कितना अच्छा पर्स ले रखा था प्लेटिनम का, मुझे भी सेम पर्स चाहिए। अरे ऑर्डर कर दिया है, लंदन से एक दिन में आ जाएगा, टेंशन। ओहो हाउ स्वीट। अरे स्वीटी बेटा क्या हुआ, इतने सैड क्यों लग रही हो तुम? मॉम मैं फेल हो गई। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये तो हमारे घर की परंपरा है। हाँ और क्या, तुम्हारे दादाजी 10th क्लास में 10 बार फेल हुए थे, और अपने डैडी को ही देख लो, ये तो कभी स्कूल गए नहीं है। अरे स्वीटी बेटा तुम चिंता क्यों कर रही हो, स्कूल तो मेरा ही है, तुम चिंता मत करो, तुम पास हो जाओगी, तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी शुरू करो। क्या सच में डैड, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, लेकिन मेरे मार्क्स? अरे तो बेटा क्या हुआ, यूनिवर्सिटी भी तो हमारी ही है। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, अब वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो। लव यू। अरे रिया मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरे घर वाले मुझसे इतना काम करवाते हैं और कहीं भी घुमाने नहीं लेके जाते। सही कह रही है तू, मैं भी पूरा काम करती हूँ घर का, पर कभी भी नहीं पूछा कि कुछ चाहिए।
पिछले साल पता है हम घूमने के नाम पर कहाँ गए थे? कहाँ कहाँ? मेरी नानी के गांव। और तुझे क्या बताऊँ हम कैसे कैसे गए थे। क्यों, तेरे पापा ने बड़ी गाड़ी करी थी क्या? हाँ कराई थी ना, ट्रेन से गए थे हम, वो भी खड़े खड़े। खड़े खड़े क्यों? तुझे पता है ना मेरे पापा कितने बड़े कंजूस है, जनरल से लेके गए थे और कंजूसी की वजह से कोई भी टिकट कंफर्म नहीं करवाई। हाँ यार तेरे पापा जैसा कंजूस नहीं देखा। तू कैसे बोली मेरे पापा के बारे में? लेकिन तू इतनी देर से मुझे फिर सुना क्यों रही है? क्योंकि तू इतनी देर से सुने जा रही है मेरे पापा की बुराई। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सीरी को यू नो हम पिछले साल वेकेशन में मनाली गए थे। मनाली? हम तो हर वेकेशन में इंडिया से बाहर जाते हैं, बस अपने प्राइवेट जेट में बैठो और जहाँ मर्जी जाओ। हाँ हाँ तेरे पापा तो टाटा बिरला है ना। तुझे पता है लास्ट ईयर हमने दुबई से 1,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग करी थी। हम लोग मेरे मामा के लड़के की शादी में गोवा गए थे, यू नो डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी गोवा में? गोवा में कौन करता है डेस्टिनेशन वेडिंग? मेरे मामा की शादी तो इटली में हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग इसे कहते हैं। मेरे पापा ने तो कह दिया था हमारे पास बहुत सारे आइलैंड है, कहीं पे भी शादी कर लो, लेकिन मेरी मामी को इटली में ही करनी थी इसलिए उनकी शादी इटली में हुई थी। तेरा सही है, तू हमेशा बार बार घूमती रहती है। और नहीं तो क्या, चल अब मैं चलती हूँ, हमें वेकेशन के लिए मालदीव्स भी तो जाना है। वो देख मेरे प्राइवेट जेट भी आ गया, चल बाय, अभी आ रही भैया। हे गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। संजालिका ब्लॉग, बाय।